हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन दृश्य यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में प्रपोजिशन से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों ने 25 में से कितना स्कोर किया है, और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1 से 2 दिन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, और आप सभी लोग जो है यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल ज्वाइन करते ही आपको सभी वीडियोज़ की जो PDF होगी वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और उसका पासवर्ड आपको चैनल के मेम्बरशिप सेक्शन में आपको मिल जाएगा। जब आप सभी लोग चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो आपके यूट्यूब के होम पेज पर मेम्बरशिप का ऑप्शन खुल जाएगा। तो इस मेम्बरशिप सेक्शन में आपको सभी वीडियोस की जो PDF का पासवर्ड होगा वो आपको मिल जाएगा, और PDF के लिए जो है आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। लास्ट में आप लोगों ने 25 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और आप सभी लोग जो है मेरे साथ साथ लाइव चैट में भी आंसर देते रहिए, मैं सभी के कमेंट जो है रीड कर रहा हूँ। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, दिस रोड इज पैरेलल ब्लैंक दैट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ये सारे क्वेश्चन जो है मैंने फिक्स प्रपोजिशन से लिए हैं, तो यहाँ पे पैरेलल के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन आएगा ये 2 आएगा, तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दिस रोड इज पैरेलल टू दैट, मतलब कि यह रोड उस रोड के समानांतर है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। पैरेलल के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन आती है ये आती है 2, तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ही इज वर्थी ब्लैंक आर प्रेज। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो वर्थी के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन है ये क्या आती है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑफ आता है हमेशा, तो वर्थी ऑफ होता है हमेशा, ये फिक्स प्रपोजिशन है, आप सभी लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही इज वर्थी ऑफ आर प्रेज, मतलब कि वह हमारी तारीफ के योग्य है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। वर्थी के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन आता है, ये भी जो है फिक्स प्रपोजिशन है। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आई एम ऑब्लाइज्ड ब्लैंक हिम फॉर हिज काइंड हेल्प। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे ऑब्लाइज्ड के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन है ये 2 आता है, तो यहाँ पे 2 करेक्ट हो जाएगा। जब आगे कोई पर्सन होगा, जब आगे कोई पर्सन होगा तो ऑब्लाइज्ड के बाद जो है 2 प्रपोजिशन आएगी, ये आप सभी लोग याद रखिएगा। आप सभी लोग याद रखिए, जब 2 प्रपोजिशन आएगी ऑब्लाइज्ड के बाद, तो आगे जो है किसी पर्सन के बारे में बात की जाएगी, और जब आगे 4 प्रपोजिशन आएगा ऑब्लाइज्ड के बाद, तो आगे जो है कोई थिंग होगा। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, जब आगे कोई थिंग हो तो आपको 4 प्रपोजिशन यूज करना है। ऑब्लाइज्ड के बाद यहाँ पे जो दिया है, जैसे यहाँ पे हिज काइंड हेल्प दिया है, मतलब ये थिंग है, तो यहाँ पे 4 प्रपोजिशन आएगा, और यहाँ पे हिम दिया है मतलब पर्सन है, तो यहाँ पे 2 प्रपोजिशन आएगी। तो 2 प्रपोजिशन ऑब्लाइज्ड के बाद आप लोग याद रखिएगा, तो ऑब्लाइज्ड टू हिम यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 4 क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे आगे थिंग दिया है, तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, मैं उनकी इस तरह की मदद के लिए उनका आभारी हूँ, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, आई एम ऑब्लाइज टू हिम फॉर हिज काइंड हेल्प, मैं उनकी इस तरह की मदद के लिए उनका आभारी हूँ, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, दिस बुक इज यूजफुल अस फॉर एग्जामिनेशन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यूजफुल के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन है ये 2 आता है, तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जब आगे कोई पर्सन होगा तो आपको यूजफुल के बाद जो है 2 प्रपोजिशन यूज करना है, और यूजफुल के बाद जो है 4 प्रपोजिशन कब आएगा, तो यूजफुल के बाद जो है 4 प्रपोजिशन तब आएगा जब आगे सम पर्पज के बारे में बात की जाए। जैसे यहाँ पे एग्जामिनेशन के बारे में बात की गई है, तो आपको 4 प्रपोजिशन यूज करना है। जब आगे कोई पर्सन होगा यूजफुल के बाद, तो आपको 2 प्रपोजिशन फिल करना है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, जब 4 प्रपोजिशन आएगा तो आपको जो है आगे पर्पज देखने को मिलेगा। आगे जो है पर्पज जब देखने को आपको मिले, तो आपको 4 प्रपोजिशन यूज करना है यूजफुल के बाद, और जब 2 आए प्रपोजिशन तो आगे कोई पर्सन होगा, तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दिस बुक इज यूजफुल टू अस फॉर एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, यह पुस्तक हमारे लिए परीक्षा हेतु उपयोगी है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा।
अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ही इज रिस्पॉन्सिबल ब्लेम्ड द कमिटी फॉर हिज एक्शन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो रिस्पॉन्सिबल के बाद जो प्रपोजिशन आता है ये 2 आता है, तो यहाँ पे इसका जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबल के बाद जो है 2 प्रपोजिशन आता है, जब आगे जो है अथॉरिटी के बारे में बात की जाए या फिर आगे कोई पर्सन के बारे में बात की जाए तो रिस्पॉन्सिबल के बाद जो है 2 प्रपोजिशन आता है। आप सभी लोग याद रखिएगा, जब आगे अथॉरिटी के बारे में बात की जाए, जैसे यहाँ पे कमिटी के बारे में बात की गई है, या फिर आगे कोई पर्सन हो, या फिर आगे कोई पर्सन हो, तब भी आप जो है रिस्पॉन्सिबल के बाद जो है 2 प्रपोजिशन लगाएंगे। और जब 4 प्रपोजिशन आएगा तो आगे जो है कोई थिंग होगा, जब आगे कोई थिंग होगा तो आपको जो है 4 प्रपोजिशन यूज करना है रिस्पॉन्सिबल के बाद। जैसे यहाँ पे दिया है तो यहाँ पे 4 प्रपोजिशन क्यों आया है, क्योंकि आगे जो है थिंग के बारे में बात की गई है, मतलब हिज एक्शन, मतलब उसके एक्शन के बारे में बात की गई है। तो दोनों प्रपोजिशन आप लोग याद रखिएगा, रिस्पॉन्सिबल के बाद 2 प्रपोजिशन तब आता है जब आगे कोई पर्सन हो या फिर आगे कोई अथॉरिटी हो, तो 2 प्रपोजिशन आएगा। और 4 प्रपोजिशन कब आएगा, जब आगे कोई थिंग हो। तो रिस्पॉन्सिबल के बाद दोनों प्रपोजिशन आप लोग याद रखिएगा, यही 2 ही प्रपोजिशन फिक्स हैं, आप इनको याद रखिए। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही इज रिस्पॉन्सिबल टू द कमिटी फॉर हिज एक्शन, मतलब यहाँ पे हो जाएगा सेंटेंस का जो अर्थ हो जाएगा, वह अपनी कार्रवाई के लिए समिति के प्रति उत्तरदायी है, इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, आई वंडर ब्लैंक हिज इग्नोरेंस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो वंडर के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन है ये एट आता है, तो यहाँ पे एट करेक्ट हो जाएगा। आई वंडर एट हिज इग्नोरेंस ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये जो है फिक्स प्रपोजिशन है, तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, मुझे उसकी अज्ञानता पर आश्चर्य होता है, इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा। वंडर के बाद फिक्स प्रपोजिशन एट आता है। अगले जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, नोबडी रिस्पोंडेड ब्लैंक माई कॉल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो रिस्पोंड के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन है ये हमेशा 2 आता है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, नोबडी रिस्पोंडेड टू माई कॉल। तो यहाँ पे सेंटेंस का जो अर्थ हो जाएगा, किसी ने मेरे कॉल का जवाब नहीं दिया, इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा। रिस्पोंड के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन है ये 2 आता है हमेशा, ये फिक्स प्रपोजिशन है, आप सभी लोग याद रखिए। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द होल मैटर रेस्ट ब्लैंक यू। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे रेस्ट के बाद जो है 2 प्रपोजिशन आते हैं, तो रेस्ट के बाद जो है जब आगे कोई पर्सन होगा तो आपको विद प्रपोजिशन यूज करना है, जब आगे कोई पर्सन होगा। तो आप सभी लोग याद रखिए, जब आगे कोई पर्सन होगा तो आपको विद प्रपोजिशन यूज करना है रेस्ट के बाद, और जब आगे कोई थिंग होगा तो आपको जो है अपॉन प्रपोजिशन यूज करना है। दोनों प्रपोजिशन आप लोग याद रखिए, रेस्ट के बाद, जब रेस्ट के बाद विद प्रपोजिशन आएगा तो आगे कोई पर्सन होगा, जब अपॉन प्रपोजिशन आएगा तो आगे कोई थिंग होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे विद करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आगे पर्सन दिया है, रेस्ट विद यू, तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। द होल मैटर रेस्ट विद यू, तो यहाँ पे सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा, सारा मामला आप पर निर्भर है, इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा। तो रेस्ट के बाद जो है विद प्रपोजिशन आता है जब आगे कोई पर्सन होगा, और जब अपॉन प्रपोजिशन कब आता है, जब आगे कोई थिंग होगा। तो यहाँ पे अगला सेंटेंस देख लेते हैं, अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आई रेस्ट ब्लैंक योर प्रॉमिस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे आगे प्रॉमिस के बारे में बात की गई है, मतलब कि थिंग के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पे जो है अपॉन प्रपोजिशन आना चाहिए, तो यहाँ पे अपॉन प्रपोजिशन यहाँ पे नहीं दिया है ऑप्शन में, तो आप सभी लोग जो है यहाँ पे ऑफ की जगह यहाँ पे अपॉन कर लीजिए, तो सेंटेंस हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पीडीएफ में मैं इसको सुधार दूंगा, बाकी अभी जो है आप अपॉन ऑप्शन को सही कर लीजिए। अभी मैंने आपको बताया, रेस्ट के बाद जो है विद प्रपोजिशन तब आता है जब आगे कोई पर्सन होगा, जब आगे कोई यहाँ पे थिंग दिया है, तो आपको अपॉन प्रपोजिशन यूज करना है रेस्ट के बाद, तो यहाँ पे अपॉन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का मैंने क्या बताया आपको, ऑफ की जगह आप लोग जो है अपॉन कर लीजिए, और मैं इसको पीडीएफ में सुधार दूंगा, आप लोग चिंता बिल्कुल मत करिए। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑफ को आप हटा दीजिए और अपॉन यहाँ पे कर दीजिए, तो सेंटेंस का जो अर्थ हो जाएगा, आई रेस्ट
अपॉन योर प्रॉमिस, मतलब कि मैं आपके वादे पर टिका हूँ, इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एडमिशन वॉज रेस्ट्रिक्टेड ब्लैंक स्टूडेंट्स, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो रेस्ट्रिक्ट के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन है ये हमेशा टू आता है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। रेस्ट्रिक्ट के बाद जो प्रपोजिशन आता है ये फिक्स प्रपोजिशन टू आता है, तो यहाँ पे सेंटेंस का जो अर्थ हो जाएगा, एडमिशन वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू स्टूडेंट्स, मतलब कि एडमिशन जो है स्टूडेंट्स तक ही सीमित था, इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ही पार्टेड ब्लैंक हिज फ्रेंड, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो मैं बता देता हूँ कि पार्ट के बाद जो प्रपोजिशन आते हैं ये कौन कौन से आते हैं, तो पार्ट के बाद जब फ्रॉम प्रपोजिशन आएगा तो आगे जो है कोई पर्सन होगा, जब आगे कोई पर्सन होगा तो पार्ट के बाद फ्रॉम प्रपोजिशन आप लोग यूज़ करेंगे, जब पार्ट के बाद विद प्रपोजिशन आएगा, जब पार्ट के बाद विद प्रपोजिशन आएगा तो आगे जो है कोई थिंग होगा। तो आप सभी लोग दोनों प्रपोजिशन याद रखिएगा, पार्ट के बाद, तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ पार्ट, तो पार्ट के बाद फ्रॉम प्रपोजिशन कब आएगा, जब आगे कोई पर्सन होगा। पार्ट के बाद विद प्रपोजिशन कब आएगा, जब आगे कोई थिंग होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, यहाँ पे फ्रेंड के बारे में बात की गई है, मतलब उसके फ्रेंड के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पे जो है आगे कोई पर्सन है, तो इस वजह से यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का जो अर्थ हो जाएगा, ही पार्टेड फ्रॉम हिज फ्रेंड, मतलब कि वह अपने दोस्त से अलग हो गया, इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, शी पार्टेड ब्लैंक द रिंग, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। मैंने आपको पार्ट के बाद दो प्रपोजिशन बताए हैं, जब आगे कोई पर्सन होगा तो आपको फ्रॉम प्रपोजिशन यूज करना है, जब आगे कोई थिंग होगा तो आपको प्रपोजिशन क्या यूज करना है, तो आपको प्रपोजिशन विद यूज करना है। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दो प्रपोजिशन मैंने आपको बताए, पार्ट के बाद जब आगे कोई पर्सन होगा तो आपको फ्रॉम प्रपोजिशन यूज करना है, जब आगे कोई थिंग होगा, तो यहाँ पे द रिंग जो है थिंग है, इस वजह से पार्ट विद यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ही इज पार्शियल ब्लैंक हिज सन, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो पार्शियल के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन है ये हमेशा टू आता है, ये फिक्स प्रपोजिशन है, आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। पार्शियल के बाद जो है हमेशा टू प्रपोजिशन आता है, तो यहाँ पे पार्शियल के बाद फिक्स प्रपोजिशन टू आता है, इसको आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये फिक्स प्रपोजिशन है। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ही हैज नो पार्शियलिटी ब्लैंक हिज सन, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो पार्शियलिटी के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन है ये हमेशा फॉर आता है, तो ही इज नो पार्शियलिटी फॉर हिज सन, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का जो अर्थ हो जाएगा, उनके मन में अपने पुत्र के प्रति कोई पक्षपात नहीं है, यहाँ पे सेंटेंस का जो अर्थ हो जाएगा, ही हैज नो पार्शियलिटी फॉर हिज सन, तो यहाँ पे सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, उनके मन में अपने पुत्र के प्रति कोई पक्षपात नहीं है, इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा। ये फिक्स प्रपोजिशन है, पार्शियलिटी के बाद जो है फॉर प्रपोजिशन आता है। अगले जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ही पासिस ब्लैंक अ क्लेवर मैन, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे पास के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन आता है ये हमेशा फॉर आता है, पास फॉर, तो यहाँ पे ही पासिस फॉर अ क्लेवर मैन, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का जो अर्थ हो जाएगा, ही पासिस फॉर अ क्लेवर मैन, वह एक चतुर व्यक्ति के पास जाता है, इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, आई रिक्वायर्ड ब्लैंक अ लोन ऑफ हिम, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो रिक्वायर के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन आता है ये क्या क्या आता है, मैं आपको बता देता हूँ। जब रिक्वायर के बाद आके कोई थिंग हो, जब रिक्वायर के बाद आगे कोई थिंग हो, तो आपको जो है नो प्रपोजिशन यूज करना है, तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कोई भी प्रपोजिशन नहीं आएगा, जब आगे कोई थिंग हो, जब आगे कोई पर्सन हो, जब आगे कोई पर्सन हो, तो आपको प्रपोजिशन जो है ये ऑफ लगाना है रिक्वायर के बाद। आप सभी लोग याद रखिए, रिक्वायर के बाद ऑफ प्रपोजिशन तब आएगा जब आगे कोई पर्सन हो, और नो प्रपोजिशन कब आएगा रिक्वायर के बाद, जब आगे कोई थिंग हो। तो यहाँ पे अ लोन ऑफ हिम, यहाँ पे जो है अ लोन, ये जो दिया है ये जो है थिंग है, तो इस वजह से यहाँ पे जो है नो प्रपोजिशन आया है, और आगे जो है हिम दिया है, तो इस वजह से यहाँ पे ऑफ दिया है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए,
अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डू यू रिक्वायर ब्लैंक मी क्वेश्चन मार्क। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो मैंने अभी आपको बताया रिक्वायर के बाद जो है नो प्रपोजिशन आया है, जब आगे कोई थिंग हो, जैसे यहाँ पे अलोन दिया है और यहाँ पे हिम दिया है, तो हिम से पहले क्या आया है, ऑफ आया है। तो यहाँ पे ये हिम जो है पर्सन है, इस वजह से यहाँ पे आया है ऑफ प्रपोजिशन। तो यहाँ पे इसका जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया रिक्वायर के बाद जब आगे कोई पर्सन होगा, जैसे यहाँ पे हिम दिया है, तो यहाँ पे ऑफ प्रपोजिशन आया है और यहाँ पे भी ऑफ होगा, तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का जो अर्थ हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का, आपको मुझसे क्या चाहिए, इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, देयर सर्च ब्लिंक द थिंग वॉज ऑफ नो अवेल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे आप सभी लोग याद रखिएगा, केवल सर्च लिखा हो जब आपको मिल जाता है सेंटेंस में, तो इसके बाद जो फिक्स प्रपोजिशन आता है ये हमेशा फॉर आता है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का जो अर्थ हो जाएगा, चीज के लिए उनकी खोज का कोई फायदा नहीं हुआ, इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा। अगले जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, देयर आर इन सर्च ब्लैंक अ नाइस बर्ड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। जब आपको मैंने बताया जब केवल सर्च लिखा हो तो आपको जो है फॉर प्रपोजिशन यूज करना है, ये फिक्स प्रपोजिशन है। जब इन सर्च लिखा हो, जैसे यहाँ पे दिया है इन सर्च, तो इन सर्च के बाद जो है प्रपोजिशन जो है बदल जाता है, ये आता है ऑफ। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सेंटेंस का जो अर्थ हो जाएगा, देयर आर इन सर्च ऑफ अ नाइस बर्ड, मतलब कि एक अच्छे पक्षी की तलाश में है, इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, शी इज सेंसिबल ब्लिंक द रिस्क। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो सेंसिबल के बाद जो है एक ही प्रपोजिशन आती है, ये आती है ऑफ। तो यहाँ पे इसका जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। शी इज सेंसिबल ऑफ द रिस्क, मतलब कि वह जोखिम के प्रति समझदार है, इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा। सेंसिबल के बाद हमेशा जो है ऑफ प्रपोजिशन आता है, तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन 21, शी इज सेंसिटिव ब्लैंक कोल्ड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो सेंसिटिव के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन है ये हमेशा टू आता है, तो यहाँ पे सेंसिटिव टू कोल्ड मतलब हो जाएगा वह ठंड के प्रति संवेदनशील है, मतलब कि सेंसिटिव है। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। शी इज सेंसिटिव टू कोल्ड, वह ठंड के प्रति जो है सेंसिटिव है, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ही यील्डेड ब्लैंक हिज एनिमी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे यील्ड के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन है ये क्या आता है, तो यील्ड के बाद फिक्स प्रपोजिशन जो है हमेशा टू आता है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ही यील्डेड टू हिज एनिमी, वह अपने शत्रु के आगे झुक गया, इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा। यील्ड के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन है ये हमेशा टू आता है, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, He has a zeal blank social work. तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो zeal के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन है ये हमेशा फॉर आता है, तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। He has a zeal for social work, मतलब कि उसमें सामाजिक कार्यों के लिए जज्बा है, तो इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा। zeal के बाद जो है यहाँ पे फॉर प्रपोजिशन आता है हमेशा, ये फिक्स प्रपोजिशन है। अगले जो क्वेश्चन, क्वेश्चन 24, ही इज जेलस ब्लैंक इंप्रूवमेंट इन अ गुड कोज। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो जेलस के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन है ये हमेशा फोर आता है, जब आगे इंप्रूवमेंट के बारे में बात की जाए, जब आगे इंप्रूवमेंट के बारे में बात की जाए तो जेलस के बाद जो है फोर प्रपोजिशन आप लगाएंगे, तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जब आगे कोज के बारे में बात की जाए तो आपको इन प्रपोजिशन यूज करना है जेलस के बाद। आप सभी लोग याद रखिएगा, जेलस के बाद जब इन प्रपोजिशन आएगा तो आगे जो है कोज के बारे में बात की जाएगी। आप सभी लोग याद रखिएगा, जब आगे कोज के बारे में बात की जाए तो जेलस के बाद इन प्रपोजिशन आएगा, तब जेलस के बाद फोर कब आता है, जब आगे इम्प्रूवमेंट के बारे में बात की जाए। तो यहाँ पे सेंटेंस का जो अर्थ हो जाएगा, ही इज जेलस फॉर इम्प्रूवमेंट इन अ गुड कोज, यहाँ सेंटेंस का जो अर्थ हो जाएगा वह एक अच्छे कारण में सुधार के लिए उत्सुक है, इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा। जेलस के बाद जब आगे इम्प्रूवमेंट के बारे में बात की जाएगी तो आपको फॉर प्रपोजिशन यूज़
करना है। जब आगे कॉज के बारे में बात की जाएगी तो आपको इन प्रपोजिशन यूज करना है। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, शी हैज़ नो जस्ट ब्लैंक म्यूजिक। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो जस्ट के बाद फिक्स प्रपोजिशन क्या आती है, ये हमेशा फॉर आती है। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ही हैज़ नो जस्ट फॉर म्यूजिक, मतलब कि उसे संगीत का कोई शौक नहीं है। तो इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने 25 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहले विजिट किए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।